हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों, मैं डेली करंट अफेयर्स जो है वो अपलोड करती हूँ। आज है 20th of June 2022। तो दोस्तों, यूपीएससी, आईएएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन और आंसर रिलेट हो सकते हैं। और जी हाँ, मैंने डेली ये करंट अफेयर्स जो है वो अपलोड करती हूँ। आई एम प्रियंका, कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। वन मोटिवेशनल कोट: स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैव नॉट प्लांटेड। Recently, the India's first digital dialogue was held between India and which country to promote bilateral trade in New Delhi? China, Japan, Germany, Sri Lanka. Japan. तो India और Japan का first time जो है वो finance dialogue हुआ है, वो भी कहाँ पे? India में। और इसको it was organized to exchange. It was organized exchange views of both the countries on macroeconomic situation, financial system and financial digitization. तो अजय सेठ जो है वो सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट मसाटो कांडा लेड द डायलॉग। और अभी नेक्स्ट जो टॉक होने वाला है वो होगा टोक्यो में। तो फर्स्ट टॉक जो हुआ है फाइनेंशियल डायलॉग का, इंडियन सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस अजय सेठ और जापानीज काउंटर पर मसाटो कांडा दिल्ली में हुआ है ये फर्स्ट। अभी सेकेंड वाला जो होगा वो टोक्यो में होगा। वेयर इज मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 and 2023 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? मुंबई, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर। तो इसका सही जवाब है मुंबई। तो मुंबई में मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 ऑर्गेनाइज हुआ था और सरगम कौशल शी वॉज द विनर। यस, मिसेस सरगम कौशल वॉज क्राउन्ड द विनर एंड शी विल रिप्रेजेंट इंडिया इन मिसेस वर्ल्ड। अभी जो मिसेस वर्ल्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी इंडिया की तरफ से सरगम कौशल, हु इज द विनर ऑफ मिसेस इंडिया वर्ल्ड। After that, Mrs. Juhi Vyas was the first runner-up and Chahat Dalal was the second runner-up. Recently, which country will participate in the NATO summit for the first time? France, Sweden, Finland, Japan. So, Japan will be the first time he will participate in the NATO summit. What is NATO? It is North Atlantic Treaty Organization, North Atlantic Treaty Organization. So Japan will be participating for the first time in NATO summit. तो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा, ही विल अटेंड द मैड्रिड नाटो समिट, बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट लीडर टू अटेंड द टॉप मीटिंग ऑफ ट्रांसएटलांटिक अलायंस। जापान, विच इज नॉट अ मेजर यूएस अलाय एंड नाटो मेंबर, हैज सप्लाइड डिफेंसिव सप्लाइज टू यूक्रेन, ओके, एंड अलॉन्ग विद द अदर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैज इम्पोज टफ sanctions on Russia. NATO का जो formation हुआ है वो 1949 में हुआ है। इसका जो headquarter है वो Brussels में है, Belgium में, Europe में, Brussels, Belgium में। और अभी जो NATO summit होने वाला है वो होने वाला है Madrid, Spain में हो रहा है। इसका जो headquarter है Brussels, Belgium। Secretary कौन है? James Stoltenberg. NATO में टोटल 30 मेंबर्स हैं। With whom has GUBP recently tied up to support the climate group's EV 100 initiative to 100% EV fleet by 2030?
2030। तो जियो और बीपी ने रिसेंटली टाइप किया है फॉर सपोर्टिंग द क्लाइमेट ग्रुप्स EV100। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इनिशिएटिव टू 100% ईवी फ्लीट बाय 2030। स्नैपडील, जोमैटो, स्विगी, उबर, इसका सही जवाब है जियो और जोमैटो जो है टाइप किए हैं। Zomato and GOBP have entered into an agreement to support Zomato's commitment to the climate group's EV100 initiative of 100% EV fleet by 2030. So basically Jio and Zomato ne tie up kiya hai. Electric Vehicle Mobility Service to Zomato, a fuel and mobility joint venture between Jio BP, Reliance Industries Limited and BP Services Access to Jio BP Pulse branded battery swapping stations for the last mile delivery. Zomato ka headquarter jo hai wo hai Gurugram, Haryana mein. और जोमेटो के सीईओ जो है वो दीपिंदर गोयल। विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 28 जून? वर्ल्ड वुमेन्स डे, वर्ल्ड साइंस डे, वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो 20 दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। World Refugee Day is celebrated all over the world on 20th of June, and this day is dedicated to raising awareness of the situation of refugees around the world. Which state ranks top in Asia's Global Startup Ecosystem Report? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में कौन सा स्टेट रैंक किया है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा। सही जवाब है केरला। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट प्रोवाइडिंग अ बूस्ट फॉर केरला स्टार्टअप इकोसिस्टम, द स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। केरला हैज ऑल्सो बीन रैंक्ड फोर्थ इन ग्लोबल रैंकिंग इन GSER। Country has launched its third aircraft carrier Fujian? China, Japan, America, Russia। इसका सही जवाब है चाइना। तो चाइना ने थर्ड कैरियर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर Fujian वो लॉन्च किया है। चाइना रिसेंटली लॉन्च थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड Fujian। इट इज ऑल्सो द कंट्रीज मोस्ट एडवांस्ड एंड फर्स्ट फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ट नवल वेसल and Fujian is the name of China's eastern coastal province of Fujian। तो चाइना का एक ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस है, एक प्रांत, तो उसका नाम ही रखे हैं। Liaoning and Shandong are the names of two previous aircraft carriers of China, and China plans to have around 5 aircraft carrier, while the next carrier is expected to be nuclear powered। तो टोटल 5 एयरक्राफ्ट के लिए वो प्लान कर रहा है और नेक्स्ट वाला जो है वो न्यूक्लियर पावर का ही रहेगा। Who has topped in the terms of outstanding portfolio of MFI, Microfinance Institution? What is MFI? Microfinance Institution। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु MFI में टॉप किया है, उसके बाद आता है बिहार, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु हैज डिस्प्लेस्ड वेस्ट बंगाल टू इमर्ज एज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रोफाइनेंस लोन्स।
माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो के लिए तमिलनाडु ने टॉप किया है। उसके बाद किया है बिहार ने टॉप, सेकंड, थर्ड वाला जो है वो है वेस्ट बंगाल। तो माइक्रो फाइनेंस लोन जो है उसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ सैयद मोदी बैडमिंटन, एना चोंग, थियो मीजिंग, पीवी सिंधु। इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें पीवी सिंधु ने मेडल जीता है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ विच काउंसिल? इंडिया काउंसिल ऑफ साइंस, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन, डिफेंस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो रंजना घोष जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज थी, तो PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वो हुई है चेयरपर्सन। सोशल नेटवर्क एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू प्रमोट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट? मेटा, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन ने यूएन वुमेन के साथ एक अग्रीमेंट किया है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉर प्रमोटिंग वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली लिंक्डइन एंड यूएन वुमेन हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू प्रमोट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर दिस लिंक्डइन विल इन्वेस्ट $5 million and the project will launch a pilot to develop digital soft employability skills of 2000 women in Maharashtra. Gliss Cropus meghalayanus, which was recently discovered in Meghalaya, belongs to which species? Snake, turtle, bat, spider? It is bat. A team of scientists discovered a new species of bamboo-dwelling bat from bamboo forest in Meghalaya. It was named as Gliss Cropus meghalayanus after the state of Meghalaya, which is celebrating its 50th year of statehood. With this discovery, the total number of bat species from India stands 131 species, with the Meghalaya registering the highest bat diversity with the 67 species. So Meghalaya alone एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 67 species जो है highest number पे register किए bat के, और पूरे भारत में 131। Which institution released a report called Payment Vision 2025? NPCI, RBI, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI पेमेंट विजन 2025 रिपोर्ट रिलीज किया। दिस डॉक्यूमेंट आल्सो फोकस ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल फाइनेंस एंड इट इंक्लूड्स द रेगुलेशंस फॉर बिग टेक्स एंड फिन टेक्स इन द पेमेंट्स गाइडलाइंस ऑन पेमेंट्स इन्वॉल्विंग बाय नाउ पे लेटर सर्विसेस, introducing central bank digital currency and linking credit card and credit components of banking products to the UPI. Gaia mission was found in the news recently. It is associated to which space agency? NASA, CNA, ESA, SpaceX. ESA, European Space Agency. तो उसका है गिया मिशन। तो बेसिकली गिया मिशन जो है, इट हैज रिलीज्ड अ सेट ऑफ न्यू डेटा विच हैज रिवील्ड द फिनोमेना ऑफ स्टार क्वेक्स। द स्टार क्वेक्स आर मैसिव मूवमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्टार सिमिलर टू द अर्थक्वेक। The star mapping Gaia probe has covered almost 1.8 billion stars in the Milky Way galaxy, and the data has also revealed the largest chemical map of entire Milky Way, showing the DNA of millions of the stars.
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल. थैंक यू सो मच.